गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टेक कवर सम ग्रामर पोर्शन दैट इज द सिंपल टेंसेस. सिंपल टेंस कौन से है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट वाइल टीचिंग एंड गो थ्रू योर वीडियोज रेगुलरली टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं. ग्रामर का जब पोर्शन होते हैं बच्चे समझ में नहीं आ रहे उनको कैसे लिखा जाए. तो जस्ट बी केयरफुल. वी हैव थ्री टेंसेस वेरी वेल, सबको पता है. तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट इज द रिलेटेड विद द जो घटना अभी घट रही है. पास्ट इज दैट थिंग्स जो बीत चुकी है, थिंग्स विद हैज बीन पास्ट, चीज़ें जो हो चुकी है. एंड फ्यूचर टेंस वो होता है जो आगे जो घटना घटने वाली है, द फ्यूचर टेंस. ओके, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. वन इज प्रेजेंट, past and the future tenses. The time shown by the verb is called as tense. The time जिस sentence से आपको time वो जो verb है time, ये जब आपको बताता है the time shown by the verb is called as tense. जब हम बोलते हैं उसे वक्त आपका अंदाज़ा आता है, वो अभी घट रही है या घट चुकी है या घटने वाले, जब इन sentence आपको समझ में आता है से आपको tense का पता चलता है. गीता राइट्स अ लेटर डेली. अभी गीता राइट्स अ लेटर डेली, वो हमेशा चिट्ठी लिखती है. चिट्ठी लिखती है, दैट इज़ द प्रेजेंट टेंस. गीता रोट ए लॉन्ग लेटर यस्टरडे. नाउ सी, गीता रोट, गीता लॉन्ग लेटर लिखी है कल. कल गीता एक लॉन्ग बड़ी लंबी छोटी लेटर लिखी है. लिखी है तो वो घटना घट चुकी है. द थिंग हैज बीन पास्ट, इट इज नॉट इन द प्रेजेंट, अभी चल नहीं रहा है, वो बीत चुका है. वो चिट्ठी लिख चुकी है तो गीता रोट. सी या रोट आएगा, राइट का बदले रोट आएगा जब वो पास्ट टेंस में होता है. गीता विल राइट टू अ सिस्टर टुमारो. अभी गीता विल राइट अ लेटर टुमारो, मतलब वो चिट्ठी लिखने वाली है. तो लिखने वाली है इसका मतलब वो कल करेगी, तो फ्यूचर में वो चीज़ें होने वाली है, अभी हुई नहीं है. ओके, इससे आपको पता चलता है कि कौन सा चीज़ कब होने वाले, हो चुकी है, चल रही है या होने वाली है. तो राइट शोस द प्रेजेंट टेंस. गीता रोट ए लॉन्ग लेटर एस्टरडे. एस्टरडे मतलब जो बीत चुका है, जो कल, उसके बारे में. तो वो पास्ट टेंस में हुआ, तो शी रोट अ लेटर. गीता विल राइट मतलब वो आने वाले कल में वो चिट्ठी लिखने वाली है. तो ये सेंटेंस है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. इन टेंस अबाउट द वर्ब राइट टेल्स अस अबाउट हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शंस मतलब जो हमेशा करते रहते हो ना, आप आदतें रहते हैं, आप रोज़ उठ के नहाते हो, ब्रश करते हो, पढ़ते हो, तो ये हैबिचुअल मतलब ये आदतें हैं आपकी. तो फर्स्ट सेंटेंस में वो लेटर डेली लिखा है, तो मतलब रोज़ चिट्ठियाँ लिखती रहती है, वो उसकी आदतें हैं. इन सेंटेंस अबाउट द वर्ब राइट्स टेल्स अस अबाउट द हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो हमेशा आदत जो रहती है वो इन शब्द से आपको पता चलता है. इट इज़ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये राइट आपको दिखाता है कि प्रेजेंट टेंस. In sentence two, the verb wrote tells us about the action that has already taken place. आपको यहाँ पर मैंने एक्शन एक्सप्लेन किया था कि रोट ये शब्द आपको बताता है कि वो काम हो चुका है, घट चुकी है, बीत चुकी है वो चीज़ को. तो रोट ये आपको पास्ट टेंस बताता है. इन सेंटेंस द वर्ब विल राइट टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट विल बी टेक प्लेस इन द फ्यूचर. विल राइट का मतलब है ये एक्शन अभी होने वाला है, अभी हुई नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाली, भविष्य में होने वाली है. तो ये आपको भविष्य काल बता रहा है. ओके, विल राइट, आई विल राइट, आई शैल राइट, वॉट एवर इट इज़, वी विल राइट, ये सब चीज़ें है आपको बता रहा है कि वो बाद में घटने वाली है या किया जाएगा, वो काम बाद में किया जाएगा, दैट इज़ फ्यूचर टेंस. देर आर थ्री मेन सिंपल टेंसेस. अभी सिंपल टेंसेस में तीन तरह के होते हैं. एक है द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, सी ओवर ये प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करो, ये वीडियो को अच्छी तरह से देखो. एग्जाम में ऐसे ग्रामर के पोर्शन डाले जाएंगे तो यू आर नॉट एबल टू डू इट.
तो उस पर ध्यान दो. वॉट आर द थ्री मेन सिंपल सेंटेंसेस? द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, अभी द सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो द हैबिट्स ऑफ द एक्शन दैट आर परफॉर्म रेगुलरली. हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी इसका ये करते दिखाते हैं जब वो आदतें हैबिट्स या एक्शन हमेशा की जाती है. दैट आर परफॉर्म रेगुलरली मतलब लगातार की जाती है. वी आर रीडिंग, वी कीप ऑन रीडिंग द बुक्स, वी डू हैव अ होमवर्क. ये रोज की मजाक की बात है. वी वर्क, वी गो हियर एंड देयर. ये हैबिचुअल है, ये एक्शन हमेशा लगातार चलता रहता है लाइफ में. तो हैरी प्लेस फुटबॉल एवरी डे. ओके, हैरी प्लेस फुटबॉल, ये भी हैबिचुअल, ये दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं कि हमेशा फुटबॉल खेलता रहता है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ. रुचिता स्विम्स वेरी वेल. रुचिता को भी आदत है तैरने की. शी स्विम्स वेरी वेल मतलब शी, दैट इज ऑल्सो ए एक्शन डन रेगुलरली. टू स्टेट जनरल ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सचिन इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन. दूसरा है ए जनरल ट्रूथ, ये सच्चाई है जिसको हम झुठला नहीं सकते हैं. दैट इज कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कोई ये बात से इनकार नहीं कर सकता. ये जनरल ट्रूथ है या फैक्ट है. सचिन ये क्या है, एन एक्सीलेंट बैट्समैन है. नाउ द सिंपल पास्ट टेंस है. वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू शो द एक्शन दैट हैव बीन हैपेंड इन द पास्ट. बताया जैसा गया आप लोगों को, सिंपल पास्ट टेंस होता है वो एक्शंस होते हैं जो घट चुकी है, जो बीत चुका है. अमिता पेंटेड ए पिक्चर लास्ट नाइट. अमिता ने क्या क्या पेंटेड किया, पेंटेड. ई डी इज हैडेड, ई डी एडेड किया तो मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया. ओके, इफ आई से पेंट, अमिता पेंट पिक्चर. ओके, तो इट इज अ प्रेजेंट टेंस. जब ई डी लग जाता है किसी वर्ड्स की बाजू में तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है. आनंद क्लीन द रूम थरली. आनंद ने रूम को बहुत अच्छी तरह से साफ किया. तो क्लीन ई डी डाला गया तो मतलब ये क्या है, क्रिया, एक काम हो चुका है. फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल टेंस एंड ई डी. देखिए अभी ई डी का भी ऐड करना. ऐड ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब जो बेस, जो मेन वर्ब होता है, वर्ब का मतलब एक्शन जो किससे आपको क्रिया समझ में आती है, एक्शन की समझ. जंप एक एक्शन है, पेंट एक एक्शन है, ये बेस वर्ब है. उसको जब हम ई डी डालते हैं तो ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है. सी जम्प्ड, पेंटेड. ओके, द वर्ब दैट एंड्स इन ई एड ओनली डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखिए यहाँ पे कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है. जो वर्ड ई से हैंड होता है, जो एक्स वर्ब ई से हैंड होता है, सेव करना मतलब बचाना, सेव ई से हैंड हो रहा है, शेयर ई से हैंड है. तब ये ऐसे वर्ब जब ई से हैंड होता है तो आपको जस्ट उसमें डी का इस्तेमाल करना है टू टर्न इंटू अ सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सेव्ड, शेयर. फॉर स्मॉल वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स, डबल द लास्ट लेटर एंड एडेड ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अभी यहाँ पे आप लोगों को, आप सबको पता है, वी हैव 26 लेटर्स, 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर. 26 अल्फ़ाबेट अपने इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं. उसमें से 5 ऐसे वर्ड्स जिनको हम वोवल्स बोलते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट ए ई हाई हो यू. ये जो 5 लेटर्स है उनको वोवल्स बोलते हैं और बाकी जो बचे हुए लेटर्स है 21 लेटर्स, दे आर कॉल्ड दैट्स द कॉन्सोनेंट्स. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप लोगों को सिखाया जा रहा है ये सब चीज़ें, तो आपको हमेशा याद रखना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड द बेसिक स्टेप्स ऑफ द ग्रामर. ओके, फॉर स्मॉल वर्ड्स एंडिंग. अभी छोटा वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से हैंड होता है, मतलब अभी ये बी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है. वोवल्स को याद रखो, जो पास लेटर को, उन पास लेटर को छोड़ के बाकी जो वर्ड्स है दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट. और वो छोटे वर्ड्स जो होते हैं जो 3 लेटर के होते हैं ऐसे और कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, तो उनको क्या करना है, बाजी को जो लेटर भी ये है उसको डबल करना है. ओके, और बाद में ई डी ऐड करना है.
अभी रॉब है, रॉब को अभी रॉब्ड आपको पास्ट टेंस, इफ यू वांट टू शो द रॉब्ड यू वांट टू शो द पास्ट टेंस रॉब्ड, तो यू हैव टू राइट डबल बी आर ओ डबल बी ई डी, दैट विल बी द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, फॉर स्मॉल वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स डबल द लास्ट लेटर, डबल द लास्ट लेटर, दिस लेटर हैज़ टू बी डबल्ड अप, देन ई डी हैज़ टू बी एडेड. नाउ वैग, वी डब्ल्यू ए जी, अगेन यू विल बी एडिंग जी ई डी वैग्ड, सी ओ वाई ए रॉब्ड वैग्ड. द लेटर एंडिंग द स्मॉल वर्ड्स एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट द डबल द लेटर शुड बी एंड ई डी शुड बी एडेड टू शो द सिंपल पास्ट टेंस. For verbs that ends in y, change the y into I and then add ed. See, this is one other the rules. When the letter is ending with y, अगर कोई भी word आपको y से end होता है, action word I would say verb, okay? When the verb that ends with the y, that उस y को if you want to change into past tense, okay? तो instead of y, you will write hi. जस्ट ट्राई, ट्राई करना, इट इज अ दिस वन, अभी इसको हमको ट्राइड करना है, दिस इज ट्राई ए वर्ड, इट इज पास दिस वन प्रेजेंट टेंस, वी कैन से इवन ट्राई यू कैन यूज फॉर द फ्यूचर टेंस ऑल्सो, बट देर विल बी विल शाल वॉट एवर इट इज. तो वेन द वर्ब इज एंडिंग विथ वाई, दिस वाई विल चेंज इन टू आई एंड ई डी विल बी एडेड टू इट. Okay, when the verb that ends with the y, change the y into I and then add ed. See, try, tried. Okay, try, tried. A verb, past tense. This is the word try. And if you want to turn into past tense, इस शब्द को हमें past tense में करना है, तो remove that y and I, add should be added and ed. Worry. Okay, worry ka remove that y and put hi instead of that and ed. So this is how we can make it a simple past tense. So see, please students, keep it in mind, the simple tenses, three types of tenses are there, you know it very well, present, past and the futures. Again, it is divided into the simple present tense, the three simple tenses are the simple present tense, simple past tense, simple future tense. And how the changes are made according to the tenses. This has been explained to you. मैंने आपको दो टाइप के अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. अभी द रिमेनिंग इज द दिस वन फ्यूचर टेंस, दैट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस भी है, वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी इन फ्यूचर. तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है. यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स भी है, दैट विल बी ऑल्सो एक्सप्लेन इन द लेटर लेक्चर्स. सो प्लीज़ जितना आपको पढ़ाए उस चीज़ को ध्यान में रखें. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल्सो देयर इन द ग्रामर क्वेश्चन, दिस आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, सो दैट इफ यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड इट इजी टू मेक सेंटेंसेस एंड ऑल. ओके, जस्ट प्लीज़, इसको भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं, जैसे खाना खाना हम भूलते नहीं हैं, वैसे इन चीज़ों को भी नहीं भूलना है. दिस हैज़ टू बी केप्ट इन योर माइंड रेगुलरली एंड इट विल गो टिल योर एंड ऑफ योर लाइफ एंड ऑल वॉट एवर यू यूज़, यू हैव टू यूज़ ऑल दिस थिंग्स रेगुलरली. ओके, थैंक यू.